नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और आज जिस खबर पर हम आए हैं वो बिल्कुल सामान्य सी आपको दिखेगी। सामान्य सी इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीछे गीत गाते हुए महिलाएं रोपा कर रही हैं। गांव में जब रोपा होता है तो इस तरह का गीत संगीत आम है। ये ऐसे लोकगीत हैं और इतने पुराने लोकगीत हैं, अगर कहें तो कई सौ साल पहले से ये गीत चले आ रहे हैं जिनको ऐसे अवसरों पर गाया जाता है। एक और बात है कि कभी भी रोपा करते हुए आप इस इलाके में पुरुषों को नहीं देखेंगे, तो आखिर क्या कारण है कि पुरुष रोपा नहीं करते हैं? इस पूरे जो रोपा का जो अधिकार वो महिलाओं पर ही क्यों है? सबसे पहले इसी गांव की एक महिला है जो रोपा करके भी आई हैं, इनसे पूछते हैं अच्छा क्यों ऐसा है कि केवल महिलाएं ही रोपा करती हैं? ये पूर्वज से ही है कि महिलाएं रोपा करती है इसीलिए, और हल बैल नहीं छूती है महिलाएं इसीलिए। अच्छा, काम बटा हुआ है ये, लेकिन कुछ कारण बताएं क्यों ऐसा है कि हल जो है सो वो पुरुष ही छुएंगे और रोपा महिलाएं ही करेंगे? ये पूर्वज से ही ना चल रहा है इसीलिए। तो अच्छा, अभी मान लीजिए कभी ऐसा मन में आया कि हम लोग भी हल चलाएं या अपने पुरुष जो हैं उनको बोलें कि आप ही रोपा कीजिए, क्या क्या कोई मन में डर होता है या कुछ होता है कि आप लोग नहीं बोलती हैं? कुछ मन में डर नहीं होता है, लेकिन पूर्वज ही से चल रहा है इसीलिए नहीं बोलते हैं, मन में क्या डर होगा। अच्छा, ये तो है कि चूँकि चला आ रहा है, देखिए जो चला आ रहा है इसके पीछे की जो कहानी है या जो इतिहासकार बताते हैं वो ये है कि शुरू से ही जब मातृत्वक सत्ता रही थी उस समय वक्त उसी समय से ये चला आ रहा है कि कृषि का जो खोज है या कृषि जो शुरुआत है सबसे पहले महिलाओं ने कृषि को किया था, यानी खेती की शुरुआत महिलाओं के द्वारा की गई है और शायद उस समय से ही जितने भी चीज़ें हैं वो महिलाएं करती थी। लेकिन बाद में जब पितृत्वात्मक सत्ता आई विश्व में उस समय का ये सारा मामला है कि उस वक्त शायद ये बदलाव हुआ हो कि जो जननी है चूँकि वो, इसलिए रोपा जो है वो जननी ही करेंगी और जो बाकी चीज़ें हैं वो पुरुष करेंगे। तो रोपा भी महिलाएं करती हैं और काटती भी महिलाएं ही हैं, पुरुष जो हैं वो बाकी चीज़ें हैं, मेड़ बनाना, हल चलाना, ये सारे काम जो हैं वो पुरुष करते हैं। क्या लगता है कि बहुत पुराने समय से है, आखिर आप लोग पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद कभी अच्छा इस बात पे लगा कि आखिर क्यों है जो पुरुष केवल हल चला रहे हैं महिलाएं केवल रोपा कर रही हैं? चूँकि ये पुरुषों में देखा जाता है कि वो जानवरों के बीच रहते हैं और उनसे उनका लगाव ज़्यादा होता है और थोड़ा हार्ड वर्क होता है खेत जोतना, खेत बनाना, तो इसलिए पुरुष लोग क्या करते हैं कि खेत बनाने का काम करते हैं। महिलाएं जो होती है वो चूँकि सृजन करता है इसलिए उन लोगों का काम जो है सो पूर्वज के समय से चला रहा है कि वो रोपा रोपेंगी, धान काटेंगी, बाकी सब काम पुरुष करेंगे। तो काम का बंटवारा है, ऐसा कोई धारणा नहीं है या कोई वैसा ये विधि नहीं है कि करना ही है, लेकिन कई जगहों पे ये भी देखा जाता है कि ज़रूरत पे महिलाएं भी कुछ काम करने लगी हैं पुरुषों के जगह और पुरुष भी काम करने लगे हैं महिलाओं के स्थान पे। ये ऐसा इसलिए कि चूँकि जब बिहन बीजा को कबाड़ना होता है तो उस समय पुरुष आगे आते हैं, वो ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं खेत में और इसके वजह से ही इस तरह का कार्य का बंटवारा किया गया है और पूर्वज से चला रहा है तो सब लोग करते आते हैं। देखिए, कार्य का बंटवारा है और चूंकि बाकी कार्यों में मेहनत अधिक है, जैसा कि ये कह रहे हैं हल चलाना हो या फिर मेड़बंदी करने का काम हो या जानवरों को कंट्रोल करना, एक तरह से कह सकते हैं कि उनको अपने वश में रखना, तो ये थोड़ा टफ काम है और इसके लिए पुरुष ज़्यादा ये कर सकते हैं, इसलिए ये काम पुरुष के जिम्मे चला गया और रोपा जो है गीत गाते हुए संगीत के साथ ये महिलाओं के हाथ में है। और यही कारण है कि जब महिलाएं एक स्वर में गीत गाती हैं तो फिजा बहुत बेहतरीन और खुशनुमा हो जाता है। विस्मय अलंकार लगातार .in के लिए। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।